जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व, इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय द्रव्य में प्रसर जाने पर दृष्टि भगवान आत्मा में प्रसर जाने पर ज्ञान भगवान आत्मा में प्रसर जाने पर सहज ही निर्विकल्प अनुभूति होती है। जो पर्याय द्रव्य के सन्मुख न हुई हो, वह पर्याय तड़पती हुई जीती है, तड़पती हुई मरती है।
द्रव्य में अभेद होकर द्रव्य में परिणमित होने वाली जो पर्यायी है, और उस समय अभेद परिणमन का जो अनुभव है, वह वेदन सिर्फ ज्ञानियों को ही होता है, अज्ञानियों को नहीं। पिछले 2 दिनों से जिस निर्विकल्प अनुभूति में अभेद होने की और पर्याय के द्रव्य में फैलने की गहरी चर्चा चल रही है, उसी पर ही कुछ विचार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। कल चर्चा की थी कि जो शक्कर है वह शक्कर पानी में मिल जाए और घुल मिल जाए तब शक्कर खो जाती है। खो तो नहीं जाती, उसका अस्तित्व तो रहता है, मगर उसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही जो उपयोग स्वरूप में समा गया है, उपयोग तो उपयोग की सत्ता में रहता है, मगर शुद्ध चैतन्य तत्व के आश्रय से वह उपयोग उपयोग न रहा, वह उपयोग शुद्धोपयोग हो गया। शुद्ध में ढलने वाला उपयोग शुद्धोपयोग है, शुद्ध में अभेद हुआ उपयोग शुद्धोपयोग है। इसलिए यह ज्ञान बस इस स्वरूप में ही ढलता है, अभेद होता है, और फिर वहां विकल्प नहीं होता है कि ये शक्कर और ये पानी। अज्ञानी को जो वेदन होता है, वह वेदन सिर्फ पर्याय का वेदन है। पर्याय का वेदन है, अर्थात पर्याय पर ही पूरा जोर होने से पर्याय ही उसे चुभती है। चुभना इसलिए कहा क्योंकि शक्कर के दाने चुभते हैं, दाने का स्वभाव चुभने का है। दाने को पकड़ो, हाथ में रखो, थोड़ा उंगलियों को ऐसे घिसो, वे दाने यहां पर उंगली में चुभेंगे। दाने चुभते हैं क्योंकि दाने का स्वभाव ही चुभने का है। यदि दाने मात्र की अनुभूति होती हो तो दाने चुभेंगे, मगर वे ही दाने यदि पानी में मिल जाए और घुल जाए और फिर वहां पर उंगली को लेकर के जाओगे तो तुम्हारी उंगली में कुछ भी न चुभेगा। यही है अनुभूति का राज, कि जो अकेली पर्याय अर्थात अकेली शक्कर उस अकेली पर्याय का अनुभव करता है, वह विकल्प में फंसता है, विकल्प के दाने उसे चुभते हैं। पर्याय की अनुभूति चुभती है यदि वह द्रव्य में अभेद होकर के अनुभव में न आए तो। निर्विकल्प अनुभूति में वह पर्याय स्वरूप में ढली है। दृष्टांत से आपकी समझ में सरलता से आ सकता है, मगर उस सिद्धांत में पहुंच करके देहातीत अनुभूति के बारे में आज हमें गहराई में जाना है। जो उपयोग भगवान आत्मा में समा जाता है, उस उपयोग ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व, उस अस्तित्व का उद्घोष, उस अस्तित्व की अक्कड़ता को खो दिया है। इसी वजह से कहते हैं कि वह पर्याय पूरी तरह से भगवान आत्मा में समर्पित हो गई, समाहित हो गई, परिणमित हो गई। क्योंकि वहां ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय बना है और ज्ञान को ही जानने रूप ज्ञान परिणमित हुआ है। कितनी सूक्ष्म बात है, ज्ञान ही ज्ञान को जानने रूप परिणमित हुआ है और अंदर ही अंदर में जो कार्य हुआ है,
और वह कार्य वहीं पर ही हो सकता था। और उसको कैसे समझे, जैसे अभी आप सुबह भगवान के पास मंदिर में गए, खुली आंख से भगवान के दर्शन करते हैं, समझना कि दर्शन करते करते उपयोग जब न्यायक देव में अभेद होता है, तब आंख का क्या होता है, परमात्मा की प्रतिमा का क्या होता है। उपयोग जो अंतर में समा जाता है, उस समय निर्विकल्प ध्यान का क्या होता है, उस समय अतींद्रिय आनंद के आह्लाद रूप वेदन का क्या होता है, गहराई में जाते हैं। खुली आंख है और भगवान के दर्शन करते हैं। आंख तो जान्य रूप परिणमित तो होती नहीं है, ज्ञान ही जान्य रूप परिणमित तो होता है। तो महावीर भगवान की जय हो, महावीर भगवान के चरणों में वहां पर झुकने का भाव आया, उस भाव को तो अलग ही रहने दो, क्योंकि वह भाव तो विकृति है, उसका उसमें परिणमन नहीं है। वह जो अहोभाव आया, हे महावीर भगवान, आप तीन लोक के नाथ भगवान, आपसे महान कोई नहीं, ये जो भाव आया, मेरा आज का दिन आपके दर्शन से ही प्रारंभ हुआ है, ये जो भाव आया, उस भाव को अलग रहने दो, क्योंकि वह भाव है वह जानने 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 रूप परिणमित नहीं होता है। उसकी उसकी सत्ता ही अलग है, उसके प्रदेश अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, उसको लाने वाला कोई और है, ये धारा नहीं, उसको लाने वाला कोई और है, अर्थात वह उदयगत परिणाम है। उसको तो छूने भी मैं नहीं गया, उसको तो हिलाने तक नहीं गया। मैं जिस पटरी पर हूं और पास वाली पटरी में जो ट्रेन गुजर रही है, मैंने कोई रिमोट कंट्रोल से उस ट्रेन को बुलाया नहीं, मैंने कोई रस्सी डाल करके उस ट्रेन को खींचा नहीं, वह चल रही है। तो यहां पर मात्र जानना 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 ये तारा चल रही है, और पटरी जो पड़ोस में है वहां पर विकल्प की तारा चल रही है। तो अहोभाव को एक और रहने देना, मात्र ये महावीर भगवान है, ये 24वें तीर्थंकर है, और उनके प्रति जो अहोभाव आ रहा है, उस अहोभाव को तो एक और रहने देना, मगर अहोभाव का पता अहोभाव को नहीं चलता, वह भी ज्ञान को पता चला है, और वह ज्ञान इस पटरी पर है, अहोभाव उस पटरी पर है, अहोभाव को जानने वाली ये जो ज्ञान की अवस्था इस पटरी पर है। महावीर भगवान को जैसे ही जानते हैं, तो वो ज्ञान के परिणमन में, ये महावीर भगवान को जो जानने रूप जो परिणमन हुआ है, इस परिणमन में ये इंद्रियों का परिणमन नहीं है। तो ये क्रिया हो रही थी, महावीर भगवान महावीर भगवान महावीर भगवान महावीर भगवान, और उस समय ही तुरंत ही दृष्टि बदल गई, उपयोग पलट गया, उपयोग पलट गया, सब कुछ देखते हैं, देखते होने पर भी अब वो दृष्टि यहां पर ज्ञान पर आ गई, ज्ञान पर आ गई, वह पता है कि सामने महावीर भगवान है, मगर अहोभाव जो है, महिमा भाव जो है, वो यहां पर ज्ञान का अहोभाव है। इसको ऐसे देखो, स्त्रियों को ये अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, क्योंकि वो आंखों का श्रृंगार करके निकलती है। जैसे काजल लगाया आंखों में, तुमने आंखों में कोई न कोई मस्कारा लगा दिया, तुमने आईब्रो कर दिया, ये आंख को तुमने सजाया, ये आंख में जो भी शरीर के अंदर जो भी तुम करते हो, अब तुम गए पार्टी में, अब वहां पर कोई व्यक्ति तुम्हारी आंखों को देख रहा है, और तुम्हारी आंख भी वहां पर लोगों को देख रही है। तुम्हारी आंख जब लोगों को देखती है, तो पार्टी में ये सब तुम्हें दिखाई देता है, देखने वाली आंख सब कुछ देखती है, मगर तू जो बार बार अहोभाव से भर रही है, उन दृश्यों के कारण नहीं, भले ही तुझे वह आंख दिखाई ना देती हो,
मगर आंख में लगा हुआ काजल, वो आंख का जो सौंदर्य है, उसका अहोभाव उस समय तेरे भीतर में कितना पड़ा है। सब कुछ दिखाई देता है पर वह आंख ही नहीं दिखाई देती, मगर अहोभाव आंख का है। मैं ये कहता हूं कि सामने महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, ये सब कुछ तुम देखते हो, मगर आंखों के पीछे जो सौंदर्य है, वह जो ज्ञान का सौंदर्य है, उस ज्ञान की महिमा अंदर में चलती है, और वह ज्ञान आंखों में जाकर के परिणमित नहीं होता है। वह ज्ञान आंखों में जाकर के परिणमित नहीं होता, इसलिए बस उस भाव की अनुभूति में, वहां पर ज्ञान की ज्ञान की ज्ञान की वह जो भाव की अनुभूति होती है ना, वहां पर वह ज्ञान की अनुभूति में इंद्रिया एक और रह जाती है, इंद्रिया उतर जाती है। दर्शन करते करते ज्ञान की ज्ञान की ज्ञान की अनुभूति में इंद्रिया उतर गई, क्योंकि जहां भावों की अनुभूति होती है वहां पर साधनों की क्या जरूरत है। इसलिए बहुत से लोगों को, और तुमने स्वयं नहीं, जिन जिनको चश्मे लगे हुए हैं, जब तुम कभी भावों से भर जाते हो और आंख से जब आंसू टपकते हैं, तुम्हारा स्वयं का अनुभव ये होगा, भावों से भर जाते हो, आंसू टपकते हैं और चश्मे तुमने पहने हैं, तुम क्या करते हो? सीधे ही मैंने लोगों को देखा है, चश्मे को उतार देते हो, हाथ में रुमाल है, आंसू को पोंछते हो, चश्मे को उतार देते हो, हाथ से उंगली से आंसू को पोंछने लगते हो। मैं तुमसे ये कहता हूं कि जब भाव इतने भर जाते हैं तो चश्मे कैसे उतर जाते हैं? चश्मा पहन करके रोने में मजा नहीं आता, वो भीतर में आंसू टपक रहे हैं और चश्मे को उतार देते हो। ये भावों की जो अनुभूति है, जहां कुछ परिणमन हो रहा है, आंसू बह रहे हैं ना, ऐसे जब अंदर में तुम्हें ऐसी अनुभूतियों की ज्ञान की धारा बह रही है, तब ये आंख के चश्मे फिर साइड में उतार करके ज्ञानी मंदिर में भगवान के सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। वहां पर वो आंख को पहनता नहीं है, क्योंकि जहां भावों की अनुभूति हो वहां इंद्रियों के आवरण की क्या जरूरत है। जहां पर को देखना हो, पढ़ना हो तो चश्मा चाहिए, दुनिया को देखना हो तो चश्मा चाहिए, मगर जहां भावों की अनुभूति हो वहां चश्मे की जरूरत नहीं है। वह भावों की अनुभूति अनुभूति मात्र, इसलिए जहां समाना है वहां चश्मे की जरूरत नहीं। इसलिए तो रात्रि में हम चश्मे पहन करके सोते नहीं, क्योंकि वहां विश्राम करना है। ज्ञान में ही जब ज्ञान समा जाता है, तो आंख का तो मैंने आपको ये दृष्टांत दिया, मगर समझना कान, समझना नाक, ये पूरा देह, ये पांचों इंद्रिया, इस वजह से जो ज्ञान ज्ञान में ही ढल जाता है, तब ये इंद्रिया उसमें परिणमित नहीं होती, और ज्ञान ज्ञान में ही ढल जाता है, तब फिर वह जो अनुभूति है वह अनुभूति ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। शक्कर का दाना पानी में समा जाता है। अब ये दूसरी बात समझनी है, ये जो दिव्य ध्वनि है, ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार है, ये पुकार सुनते सुनते ही तुम्हारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी कान में जाएगा नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि ज्ञान है भगवान, ज्ञान है, वह ज्ञान परिणमित होगा, ज्ञायक को जानने रूप परिणमित होगा। ऐसे ही सुनना ये कब तक होता रहेगा? यह ज्ञान सुनने में रुचि नहीं लेता, और वही ज्ञान ज्ञायक को जानने रूप परिणमित होता, जानने रूप परिणमित होता। वहीं पर कान एक और पड़ा रहता है, उसकी वहां जरूरत नहीं है। जो माध्यम था वह माध्यम वहां पर रह जाता,
और माध्यम का विकल्प तक नहीं आता। माध्यम के प्रति द्वेष न करना, ये अनुभूति इतनी वितराग स्वरूप है, द्वेष किए बिना ही मात्र अनुभव को समझना है। कल कहा था ना, द्वेष किए बिना ही, द्वेष किए बिना ही मूल अभेद 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 का भाव अब समझना। तुझे देह के प्रति देहातीत का भाव क्या है ये समझ। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो बात कह रहा हूं ये अनुभूति की चरम सीमा है। विरोध किए बिना, वितराग का मतलब ये है, जो शक्कर पानी में डाली और घुल मिल गई, उस शक्कर घुल मिल गई है, अब उसमें से तूने चम्मच से उस पानी को उठाया और अब तुझे क्या पीना है, वो मीठा पानी पीना है, न शक्कर न पानी, मीठा पानी। इसलिए जो कहा ज्ञानी को पर्याय और द्रव्य दोनों का अभेद, जो परिणमन है, अभेद है, उसी का अनुभव है। न अकेली पर्याय न अकेला द्रव्य, दोनों उसमें ढली हुई है, वो स्वतंत्र नहीं है कि पर्याय अलग से जाकर के, अलग से नहीं है, वो दोनों है। यद्यपि वह अनुभव पर्याय का कहा, मगर वहां दोनों है, उसका भी भाव बताता हूं। मगर पहले ये समझो कि ये चम्मच में से आपने वो पानी भर लिया और उस चम्मच को फिर आप यहां तक लेके आए, आप मुंह तक लेके आए और आपने मुंह में वो चम्मच डाली और पानी पिया। उस समय जब पानी मुंह में ही चम्मच है, अभी बाहर भी नहीं निकाली, मुंह में चम्मच है और वह मीठा पानी आप पी रहे हैं, उस समय जो मीठे पानी का जो अनुभव हो रहा है, उस समय चम्मच के प्रति द्वेष कितना है। चम्मच को तोड़ दू, बैर बिखेर कर दू, चम्मच कुछ भी नहीं है, उस चम्मच का उपकार है, उसको तोड़ू क्यों। मगर अब पानी पी लिया ने, अब तो काम की नहीं रही ने, अब तो तोड़ दू ना, नहीं, क्योंकि जब मैं यहां मेरी जीभ पर वो मीठा पानी है, उस समय मैं इतना आनंदित होता हूं कि चम्मच को तोड़ने के लिए मेरा समय, मेरी शक्ति उसमें बर्बाद होती है। उस समय वो मैं मीठे रस का अनुभव नहीं कर पाता हूं, मैं इतना व्यस्त होता हूं वह पानी पीने में कि सीधी अपन चम्मच निकाल करके रख देते हैं नीचे। यहां पर इंद्रिय की चम्मच को इतना भी हला करके, हिला करके, इतना भी नीचे नहीं रखना पड़ता। सिर्फ वो अनुभव में आ गया अभेद परिणमन, तो परिणमन में अभेद है, पर्याय द्रव्य में अभेद हुई है, पर्याय द्रव्य में अभेद हुई है। और ये इंद्रिय, इंद्रिय के परमाणु उसमें विरोध किए बिना वो साइड में रह गए। इसलिए देह के प्रति ये विरोध का भाव नहीं। अब कहां ये शरीर को सुखाने की बात कर रहे हो, कहां इस शरीर को व्यर्थ में ही सता रहे हो। क्यों सताना इस देह को, क्यों तड़पाना इस देह को। यही मेरा जोर आप ज्ञान दीपकों के लिए है। आप वह अनुभव कर रहे हैं जो बड़े बड़े साधु संत अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें पता नहीं है, विद मांस खमण, एकासना, उपवास, आइम्बिल की ओली, ये सब उसी में ही लगे हुए हैं। वो जो अनुभूति का राज है वो नहीं समझ पाते कि जो महावीर भगवान जहां पर है वो कहां पर अभेद हो गए। और ये सब जो उन्होंने किया था, व्रत तप, ये सब जो किया था, वो उनका किया नहीं, वो चम्मच पड़ी रही, वो साइड में पड़ी रही। और उस चम्मच के साथ में फिर कोई खिलवाड़ न करना, बस उस साइड में पड़ी रही, वो चम्मच के साथ में कुछ छेड़खानी नहीं करना। उस छेड़खानी नहीं करने का आयोजन नहीं करते थे,
वे उस पानी को पीने में व्यस्त थे कि चम्मच की याद न आई थी। यही साधना है कि इस देह के साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, अपना ही कुछ बात ऐसी बनानी है कि बस ये देह के परमाणु के साथ में कुछ करने के लिए मेरे पास में समय नहीं है। क्योंकि वो समय माने परिणमन, वो परिणमन इतना ऑक्यूपाइड है, अभेद है, वह शक्कर चम्मच को खत्म करने कैसे जाए, वह शक्कर तो पानी में घुल मिल गई है। वह पर्याय द्रव्य को छोड़कर के बाहर जाए तो इंद्रियों को खत्म करने जाए, और शक्कर में क्या दम कि वो चम्मच को तोड़ दे, वो पर्याय में क्या दम है कि वो पर द्रव्य का कर्ता बनने जाए। शक्कर तो कहती है जब मैं पानी में अंदर जाती हूं तो सीधी ही घुल मिल नहीं जाती हूं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, माने मेरा खुद का परिणमन जो शक्कर का परिणमन है वह भी उसके काल से हो रहा है, सीधा नहीं हो रहा, जबरदस्ती नहीं हो रहा, मैं मुझ पर भी जबरदस्ती नहीं कर पा रही हूं, धीरे धीरे पिघल रही हूं, मैं मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर पा रही हूं तो चम्मच पर जबरदस्ती करने कैसे जाऊंगी, और चम्मच पर जबरदस्ती करने जाने का मतलब है कि शक्कर चम्मच पर बलात्कार करने जा रही है। जो ज्ञान की जानन धारा जो है, जो ज्ञायक में ढले उसकी योग्यता से ढलती है, ये शक्कर पानी में उसकी योग्यता से ढलती है, और वही अपनी पर्याय देह का कुछ करने जाए वो देह पर बलात्कार है। दुनिया में पराये पर बलात्कार करना ये अपराध है, उसकी सजा कुछ वर्षों का कारागृह है। ये जो अनंत काल का ये कारागृह हम भोग रहे हैं वही तो है कि इस देह पर अपनी ही पर्याय उसने बलात्कार किया। मगर जब वह पानी में मिल जाए फिर वह कहां जाए, वो जाए कहां, ऐसा ही ज्ञान आ आ, 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 आ। ये ज्ञान 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 अंतर में ही परिणमित हुआ, वही परिणमन वही परिणमन वही परिणमन उत्पाद हुआ कि परिणमन हुआ, बस इसी को कहते हैं निर्विकल। ये ध्यान, ये धर्म, और यही समस्त उपदेश का सार। ये ज्ञान दीपक, इसलिए जो मैंने तुमसे देह के निरीक्षण करने के लिए कहा, हड्डियों का, मांस का, चमड़ी का, ये निरीक्षण करने को कहा बिना किसी, ये बिना किसी वैर विरोध के इसका निरीक्षण करें, और ज्ञान की धारा को, ज्ञान के परिणमन को इन परमाणुओं से अस्पर्शी ऐसा देखो, नाता जोड़े बिना ही ये ज्ञान जान जानना 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 जानने रूप परिणमित हो रहा। ऐसा ही निरीक्षण करते, अब समय नहीं रहता, पर्याय द्रव्य में ढलती है, वह शक्कर पानी में मिल गई, अब वह चुभती नहीं, निर्विकल्प ध्यान में उपयोग स्वरूप में समाया, अब वह चुभता नहीं है, अब पर्याय के कांटे चुभते नहीं है, पर्याय परिणमित हो गई, पिघल गई पिघल गई पिघल गई पिघल गई, कुछ भी हो जाए, काटे है ना, काटे काटे यदि पानी में थोड़े दिन रखो, कुछ समय ही रखो तो पिघलने लगता है, पिघलने लगता है, और वह अंततः वो लकड़ी है, वह परमाणु है, बैर बिखेर हो जाए, उसके बाद में वे चुभेंगे नहीं, काटे चुभते नहीं है, यदि वह पानी में घुल मिल जाए तो, अलग से अपना अस्तित्व रहे तो चुभेगा,
इसलिए ये वेद ज्ञान के प्रयोग के लिए ये उपदेश यही दुर्लभ है। इस काल में सब कुछ सुलभ है, मगर ये पर्याय के द्रव्य में अभेद हो जाना, और उस समय भगवान एक अपूर्व क्रांति घटित होना, ये क्रांति घटित होना ये उन्हें ही हो सकता है जो साहसी हो, जो दीवाना हो, जो भयभीत न होता हो, जो परमात्मा के साथ में भी वाद विवाद करने को तैयार हो गया हो। समंतभद्र आचार्य उसके प्रमाण है कि परमात्मा के सामने मैं परमात्मा को ऐसे ही नहीं मानता, मैं परमात्मा से अब मैं उस तरह से सुलूक करता हूं जैसे परमात्मा मेरे साथ में करते हैं। कौन है वे परमात्मा, कौन है वे परमात्मा, तुम दुनिया में इतना नहीं देखते? बड़े बड़े सम्राट यदि तुम्हारी पहचान में है फिर बस बहुत हो गया, बड़ा करोड़पति है, तुम्हारा मित्र बड़ा करोड़पति है, इतना धन है, मगर वहां तुम्हारी बुद्धि कितनी दौड़ती है। उसने तुम्हें शादी के लिए आमंत्रण दिया, तुम गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हर बार जाते हो, मगर ये रिश्ते दोनों ओर से टिकते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे घर पर नहीं आता, एक बार ना आए, दो बार ना आए, तो फिर ये रिश्ते टिकते नहीं है। व्यवहार तो दोनों ओर से टिकता है, मेरा आपके प्रति प्रेम है, आपका मेरे प्रति प्रेम नहीं हो तो ये रिश्ता टिकेगा कैसे? मैं आपके घर में आऊं, आप मेरे घर पर आओ, तभी रिश्ता टिकता है। मैं आपके पास आऊं और आप मेरे पास आओ ही नहीं, एक बार दो बार मैं माफ कर सकता हूं, फिर मैं भी आपके पास में आना बंद कर दूंगा। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपके पास में बहुत बार आया, मैंने अपना ध्यान आपके पास में लेकर के बहुत बार आया, एक बार आया, दो बार आया, आपके मंदिर में आपकी चौखट पर बहुत बार आया, मगर आप मेरे पास में आए ही नहीं। अब ये रिश्ता क्यों रखूं मैं? अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता, अब आप आपके घर, मैं मेरे घर, अब मैं अपने घर से बाहर ना निकलूंगा, क्योंकि मैं भी तो स्वाभिमानी हूं। परमात्मा के साथ में ऐसा जिसके अंदर में साहस आ जाए कि इतना परमात्मा के प्रति भी तैयार हूं मैं, परमात्मा के प्रति भी ये साहस दिखाने को, आज उसी के बारे में मुनिवर राम सी कहते हैं। 183वां ये दोहा है, परमात्मा के सामने जाकर के अब तू परमात्मा को चैलेंज कर। भक्ति की भाषा भी है, ये परमात्मा आपसे महान कोई नहीं क्योंकि आपने हमें बोध दिया है, मगर ये बोध सुनता रहूंगा कब तक? आप मेरी ओर नहीं देखते हैं तो फिर मैं आपकी ओर क्यों देखूं? ये रिश्ता दोनों ओर से रहता है। ओहो भाव लाओ, पहले दोहे को पढ़ते हैं और फिर उस दोहे के भाव को समझते हैं। दोहा 183वां है, तूटई बुद्धि तड़ती जही मणु और रावण हम जाई, सो सामिय उव एसु कहि अन्न हिम देव हिम काइम। हे स्वामी, मुझे कोई ऐसा अपूर्व उपदेश दीजिए कि जिससे मिथ्या बुद्धि तड़ाक से टूट जाए और मन भी अस्तंगत हो जाए, अन्य कोई देव
का मुझे क्या काम है, अन्य कोई देव का मुझे क्या काम है। एक ओर से स्वामी स्व में जो स्थित हुए हैं वे ही स्वामी हैं, जिन्होंने अपने को जाना है उनसे ही पूछना, उदार उत्तर जिसके पास में संग्रहित हुए हैं उनके पास जाकर के सत्य का मार्ग मत पूछना। जो देख करके जो पढ़ करके उत्तर देते हैं उनके उत्तर उदार उत्तर है। रविवार का दिन है इसलिए मुझे स्मरण में आया, एक चर्च वह चर्च इंडोनेशिया में है और वहां की यह सत्य घटना है। थोड़ी देर पहले ही मेरे पर मैसेज आया था क्योंकि वहां पर तो सुबह 1.5 घंटे पहले ही हो गई। चर्च में जाने के लिए एक पादरी है जो मेरे परिचय में है, उनका मैसेज आया था, एक घटना उन्होंने याद दिलाई। आज ही के दिन एक घटना घटी थी। एक जिस चर्च में उसका प्रवचन होता रविवार को, उसने श्रोता तो बहुत थे और क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था। अब थोड़ा प्रवचन देना था और प्रवचन देने के बाद में फिर प्रश्न, जिन जिन के कोई प्रश्न हो वो प्रश्न पूछने के लिए बोलने वाला था। अब उनको सब उत्तर तो आते नहीं है, रटे हुए उत्तर उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो सबसे नजदीक का मित्र था जो चर्च में उनका प्रवचन सुनने भी आता था, अपने मित्र को कहा कि तू ही प्रश्न पूछ लेना, जब मैं कहूं कि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पहले फटाक दे करके तू हाथ ऊंचा करना और फिर मैं कहूंगा ठीक है पूछो तू। और जब मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूं और उत्तर में इतना अच्छा दूंगा और मैं इतना ही बोलूं कि क्या बात है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ऐसा कहूं कि तुरंत ही दूसरा प्रश्न तू पूछ लेना, और जब मैं कहूं कि दूसरा प्रश्न का उत्तर दूं कि ऐसा प्रश्नकार ऐसा श्रोता कितना गहरा प्रश्न पूछता है, तुरंत ही तू तीसरा प्रश्न पूछ लेना और तब तक समय पूरा हो जाएगा, प्रवचन खत्म हो जाएगा। गया प्रवचन के लिए, आज 10 बरस पूरे हो रहे हैं उस घटना के, वो याद रह गई 2014 में जब मिशन शुरू हुआ था और मेरे मित्र हैं, इस वजह से आज के दिन को उन्होंने याद करके रख लिया। गए वो चर्च में प्रवचन देने के लिए, उन्होंने लगभग 10 मिनट प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप सभी के चेहरे को देख करके लगता है कि आज शंका समाधान का सेशन रखना चाहिए क्योंकि आप सब बहुत ही जिज्ञासु लगते हैं, और हर पादरी आकर के यहां पर खाली प्रवचन देकर के जाएगा तो आपकी शंकाओं का क्या होगा, इसलिए किसी को कोई शंका पूछनी हो तो पूछे। फटाक देकर के उनका जो मित्र था उसने हाथ ऊंचा किया, इन्होंने कहा पूछो क्या पूछना है, प्रश्न पूछा और पादरी ने इतना अच्छा उत्तर दिया, फिर तुरंत ही उनके मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया।
और इतनी तारीफ की, एक घंटे का प्रवचन था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया। और उसने कहा, ऐसे प्रश्नकार तो सभी को होना चाहिए। कितना अच्छा प्रश्न पूछा, अभी पौना घंटा हुआ था। और तभी पादरी इंतजार कर रहा है कि अभी ये तीसरा प्रश्न पूछेगा। वो थोड़ी देर बैठा रहा, पादरी इंतजार कर रहा है कि कोई और आदमी ना पूछ ले, इंडिकेशन दे रहा है कि पूछ ले। मगर तभी ये मित्र खड़ा हुआ और उसने कहा कि फादर, मुझे माफ करना, आपने जो तीसरा प्रश्न पूछने के लिए कहा था ना, वो तो मैं भूल ही गया। दो याद रहे, तीसरा भूल गया। पौने घंटे में प्रवचन पूरा हो गया। वो जिंदगी में उन्होंने कहा कि पहली बार मेरा 1 घंटे के अंदर प्रवचन पूरा हो गया था। क्योंकि वो वैसे बोलना होता तो बोल देता, क्योंकि वो शंका, फिर कोई शंका समाधान का सेशन रखा था, और कोई फिर ऐसी शंका पूछ ले, गड़बड़ हो जाए। बहुत बड़े प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन उनके पादरी हैं, मगर तब से लेकर के हम जब भी मिलते, मैं उनसे ऐसे पूछता हूं। आज भी उनका मैसेज आया, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चन, ऐसा ही जब मैं उनको कहता हूं, वो स्माइली फेस का वो आइकन भेजते हैं, बहुत मजाक करते हैं। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा उपदेश उनसे पूछना जो रट करके नहीं आए हैं, जो तूता रटन नहीं किए। जैसे तुम प्रश्न पूछो और वो किताब को याद करे, उनसे मत पूछना। जैसे ही तुम प्रश्न पूछो और वो अंदर डुबकी लगाए और फिर मोती निकाल करके तुम्हें दे। इसे ये कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। इसलिए कोई भी साधक की कोई भी शंका नीचे नहीं लगती है। ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है इस पृथ्वी पर यह भी संभावना है। इसलिए कोई साधक यदि ऐसी शंका पूछता हो कि जो साधारण रूप से सभा में पूछे तो उसका अपमान हो जाए, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। यह भी एक संभावना है। ऐसे भी शंका जिज्ञासु के मस्तिष्क में पैदा हो सकती है, यह भी एक संभावना है। ठीक है, इसका समाधान होना ही चाहिए, उसको नीचा ना देखो। कल मेरे लाडले ने ऐसी काम वासना की शंका पूछी है, काम वासना की खतरनाक शंका पूछी, और मैंने उसका जो उत्तर दिया उसे, उसकी आंख में पानी आ गया। ये बात यदि मैं किसी महाराज साहब को पूछता, मुझे उपाश्रय में दोबारा कभी ना आने देते। मैंने उनसे कहा, यदि ये शंका का समाधान यदि तुम्हें न मिलता, तुम जिंदगी भर दबे हुए रहते बोझ से। इसका भी समाधान है, क्योंकि प्रत्येक जीव जो शंका पूछता है, वह एक संभावना बताता है कि इस पृथ्वी पर ऐसा भी विकार हो सकता है, और उस विकार से मुक्त होने का समाधान है। इससे पापी से पापी व्यक्ति भी, जब हमारा शंका समाधान का सेशन हो, मैं आप सभी से कहता हूं, नीची से नीची, हीन से हीन हरकत, वृत्ति और प्रवृत्ति वाली शंका यदि आपके अंदर उठती है, बिल्कुल निशंक होकर के पूछना, निर्भय होकर के पूछना। मैं कभी आपको न कहूंगा कि हे पापी, तूने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि तेरे अंदर जो शंका उत्पन्न हुई, वही तो एक संभावना है कि
कि इस प्रकार की वृत्ति इस जगत में हो सकती है। उस बीमारी का इलाज होना चाहिए, उस बीमारी को ढकना नहीं चाहिए, फोड़े पर फूल नहीं रखना चाहिए, फोड़े पर मरहम लगाने की जरूरत है। तुम जाते हो देरासर में, फूल चढ़ा करके आते हो, परमात्मा पर ही फूल चढ़ाकर नहीं आते हो, अपनी विकृतियों पर भी फूल चढ़ा करके जाते हो और ऐसे ही आ जाते हो। कचरा जितना भी है बताओ तुम उसे, क्योंकि उसके बिना समाधान कैसे होगा, उसके बिना उन वृत्तियों से छूटना कैसे होगा। हे स्वामी, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दे, ऐसा उपदेश दे, ऐसा अपूर्व उपदेश दीजिए जिससे मिथ्या बुद्धि तड़ाक से टूट जाए। ये भी साहस चाहिए। मुनिवर राम से ही प्रश्न पूछ रहे, वो शिष्य की ओर से पूछ रहे कि सच्चा शिष्य किसे कहते हैं, जो ये तैयार है कि आप ऐसा उपदेश दीजिए, मैं तैयार हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। हमें जो उपदेश सुनना अच्छा लगा है वो सिर्फ मीठा मीठा उपदेश ही अच्छा लगा। जो मीठी बातें करते हैं उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, हमें वही प्रवचन अच्छे लगते हैं जिसमें हमारी मन के अनुकूल हमारी वृत्तियों का पोषण होता हो। पश्चिम में एक महान लेखक हुआ है, केनिथ वॉकर उसका नाम है, उसकी किताब अभी मुझे एक स्विट्जरलैंड के स्टोर में मिल गई, जिस किताब को मैं ढूंढ रहा था बहुत सालों से। वह किताब ज़ुरिक स्टेशन पर मैं था, उसका फोटो मैंने आपके याद के लिए रखा है। ज़ुरिक स्टेशन पर वो किताब मुझे मिली, मगर उस किताब का जो पहला पन्ना मैंने पढ़ा, उस किताब में उसने जॉर्ज गुरजीफ को वह किताब डेडिकेट की है, समर्पित की है। और जॉर्ज गुरजीफ के लिए ये लिखा है कि मेरे जीवन में यद्यपि मैं क्रोध नहीं करता था, मगर सबसे ज्यादा क्रोध यदि मुझे जीवन में किसी पर आया हो, सबसे ज्यादा क्रोध तो जॉर्ज गुरजीफ पर आया था। और ये किताब जॉर्ज गुरजीफ को अर्पण करता हूं, क्योंकि वे ही मेरे सच्चे गुरु हैं। जब मैं उनको पहली बार मैंने उनको सुना, सबसे ज्यादा क्रोध मेरा उनके ऊपर आया, स्वाभाविक है। पहली बार सुनेंगे तो क्रोध आएगा, मगर वे ही मेरे गुरु हो गए, क्योंकि जब मैंने उनकी वाणी को सुना तो लगा कि इसमें मेरा कितना हित छुपा हुआ है। और गुरजीफ की भाषा ऐसी थी, थोड़ा कड़क भाषा वाले थे, कठोर भाषा वाले थे, उनका वर्तन भी ऐसा था। कहते ना कि वो गड्ढे खुदवाते थे, फिर अंदर मिट्टी डलवाते थे, फिर गड्ढे खुदवाते थे, फिर मिट्टी डलवाते थे, ऐसे ही तो वो कितने दिनों दिनों तक कसौटी करते थे। उनका थोड़ा अटपटा था, उनका जीवन ही ऐसा था। अगर वे मेरे गुरु बन गए, और इस किताब में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं वो मेरा कुछ भी नहीं है, वो मेरे गुरु का है, मगर क्रोध उन पर बहुत आया था, स्वाभाविक है। मोह को तड़ाक से तोड़ना हो तो जब गुरु की वाणी को सुने तो वो वाणी झटका पहुंचाएगी। झटका इसलिए पहुंचाएगी कि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और उसे जगाना है तो थोड़ा हिलाना तो पड़ेगा, और हिलने में अब उस व्यक्ति को तकलीफ हो, जब तुम उसको झकझोरते हो, एक ओर से तुम कहते हो कि हमें जागना है और दूसरी ओर से कहते हो, और जो व्यक्ति जितना गहरी नींद में सो रहा है उतना ज्यादा झकझोरना पड़ता है,
तुम इतने 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 गहरी मोह की नींद में सो रहे हो, इसलिए कठोर शब्द के बिना तुम्हें समझाऊं कैसे। इसलिए कभी कभी तुम पर गुस्सा करता हूं, कभी कभी तुम्हें कठोर शब्द बोलता हूं जिसका तुम्हें बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हें जागना नहीं है, तुम्हें सोना है। उसके पीछे मेरा एक ही प्रयोजन है, और ऐसी ही स्थिति पीड़ी ऑस्पेंस्की के साथ हुई थी, ऐसी ही स्थिति मार्टिन बुबर के साथ हुई थी, ऐसी ही स्थिति ऐसे बहुत से लोग जो गुरजीत के वचनों को पढ़ करके, नहीं शुरुआत में तो ऐसा ही होगा कि कैसे बर्दाश्त करें। सोता हुआ व्यक्ति अब इतनी नींद में सो रहा है, उसको हिलाना तो पड़ेगा। उसे उसके पास में जाकर के तुम लोरिया सुनाओ तो लोरिया सुनाने से वह उठेगा नहीं, वह तो सोता जागता हुआ भी सो जाएगा। इसलिए कभी कभी यह कहना पड़ता है, ये मूढ़, ये पापी, ने मेरे लाडले को कितने कितने, ये निश्चयापासी, ये कसाई, कसाई कहता था, ये कसाई। मगर आज उनका व्यवहार देख करके मैं फिदा हो गया हूं। जितना धनराज को डांटा है, जितना उनको पीटा है, जितनी उनको गालियां भी दी है, मारपीट भी की है, आज उनके प्रति इतना समर्पित होता हूं कि मेरे बाद में जैसे ये परंपरा वो संभालेगा। वो व्यवहार आया नहीं, वो जीवन में वो सीखा नहीं, सुन सुन करके उसका हृदय पिघल गया है। पहले दिन बहुत कठोर बोला, अब मैं एक शब्द उनको धनराज भाई ये कह के बुलाता हूं। अहोभाव आता है, क्योंकि अहोभाव आता है। अब वह इस गद्दी पर बैठेगा, वैसे तो मेरी कोई गद्दी ही नहीं है, गद्दी पर क्या बैठेगा। मगर मैं तुमसे ये कहता हूं, पहली बार जो कठोर शब्द, वो कठोर शब्द पहली बार लगेंगे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। पहली बार अलार्म जब बजता है सुबह, तो वो पीड़ा पहुंचाने वाला ही होता है। मगर जब तुम उठ करके फिर तुम एयरपोर्ट पर बैठो और विमान में फिर तुम टेक ऑफ होते हो, तब आनंद जो लेते हो ना आकाश में उड़ने का, उस समय वो याद भी नहीं आती कि वो अलार्म जो सुबह 5 बजे मैंने रखा था उसने कितना तड़पाया, वो याद कौन करता है। तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, इसलिए थोड़ा समय खाली, थोड़ा समय सहन कर लेना। आगे जाकर के उड़ान भरनी है मोक्ष की, आगे जाकर के सिद्धपुर की उड़ान भरनी है। ये उपदेश ऐसा है, ये वाणी ऐसी है, ये पुकार ऐसी है। थोड़ा कठोर शब्द होगा मगर तकलीफ होगी। आगे जाकर के तुम्हें अहोभाव आएगा कि बस बाकी सब बातें तो तुच्छ थी, तुच्छ बातें थी। दुनिया में अलग है, दुनिया में रिश्ते शुरू होते हैं मीठे मीठे वचनों से और पूरे होते हैं फिर खतरनाक मिलन होता है शादी के मंडप में, और बिछुड़ना होता है कोर्ट रूम में। दुनिया में ऐसा ही है, यहां पर कोर्ट रूम से शुरुआत होती है और मोक्ष के उस मंडप में फिर मिलन होता है अनंत सिद्धों के साथ में। यहां उल्टा है, दुनिया में तो शुरुआत में तो सब अच्छा अच्छा चलता है, फिर धीरे 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 धीरे, हमने तो पहले ही कहा था उस लड़की को इस घर में मत लाओ, मगर ये बेटा कह रहा था अच्छी है। मुझे तो समाज में सबने कहा था उसके साथ रिश्ता जोड़ने जैसा ही नहीं, उसकी माँ है ना, उसकी माँ बहुत खतरनाक है, बेटी तो इतनी खतरनाक, माँ ने संस्कार ही ऐसे डाले, उसका बाप अच्छा है मगर माँ खतरनाक है।
पहले तो सब भगवान जैसे लग रहे थे, थोड़े दिन बाद में ये क्या हो गए? दुनिया में रिश्ते ऐसे ही है। संसार के रिश्ते शुरुआत में मीठे हैं, अंत में कड़वे हैं। और गुरु के साथ में पहला नाता थोड़ा कठोर लगेगा, इसलिए मुनिवर राम सिंह के ये जो वचन है कि हे स्वामी, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा अपूर्व उपदेश दीजिए, ये अपूर्व उपदेश आज इतने ज्ञान दीपक सुन रहे। ये भी मैं आपसे कह दूं, ऋणानुबंध मुक्ति मिशन के दौरान मैं दिल्ली गया था, एक ज्ञान दीपक के वहां ठहरा था। दिल्ली में एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप सब पहचान जाएंगे, जिनके आश्रम में हमारा सत्संग हुआ था और बहुत से साधक प्रवचन सुनने आए थे। उनको मेरे द्वारा कोई पीड़ा पहुंची, मेरे वचनों से उनको पीड़ा पहुंची थी, मुझे वो याद था, इसलिए मैंने सोचा 2023 के अंत तक एक बार उनसे माफी मांग लेना। और मैंने, मेरे पास में उनका नंबर नहीं था, जिनके घर में मैं ठहरा था उनके पास में नंबर भी था, उनका रेगुलर कांटेक्ट भी होता था, तो मैंने उनको कहा उनको फोन लगा दो, मुझे माफी मांगनी, एक बार रूबरू जाकर के मिलकर के माफी मांगनी। यहां पर सुन रहे हैं वे ज्ञान दीपक भी, उन्होंने फोन लगाया और फोन लगाते ही उन्होंने कहा कि ये गुरुदेव दिल्ली में आए हुए हैं, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ऋणानुबंध मुक्ति मिशन अभी चल रहा है उनका, तो कितने बजे? बोले वो बात ही मत छेड़ो, हमें नहीं मिलना है, हमें उनसे बात भी नहीं करनी है, उनसे मिलना ही नहीं है, बात भी नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है, मगर उसका कोई कारण है? मेरे से और क्या बड़ा अपराध हो गया? लेस बड़ा अपराध फोन स्पीकर के ऊपर है, सबसे बड़ा अपराध क्या कहूं? दिल्ली में जितने भी साधक मेरे प्रवचन में आते थे, वो एक भी साधक नहीं आता, सबको वो लेकर के चले गए, मेरे सब शिष्यों को वो लेकर चले गए, छीन लिया है शिष्य को। मैंने किसी शिष्य को छीन लिया? आज दिल्ली के इतने लोग हैं, मैंने किसी को नहीं कहा। पहली बात तो मैं शिष्य बनाता नहीं हूं, छीनू कैसे? मगर उन्हें ये चैतन्य की पुकार जो सुनने को मिली वह अपूर्व लगी है, वो उनका निर्णय है ना। जो तुम्हारे पास में जो माल नहीं मिल रहा था वो माल उन्हें यहां मिल रहा है, मगर इतना द्वेष क्यों करना? सभी की मौज, जो जहां सुनना चाहते हैं उसे सुनने दो। मगर जैसे जेब में से कोई हाथ डाल करके रुपये छीनता हो तो शत्रु लग जाए, ऐसे ही शिष्य भी एक परिग्रह बन जाता। और जिसने देखा कि प्रत्येक पक्षी को मुक्त रूप से आकाश में उड़ने का अधिकार है, तो उसमें शांति स्वयं को बनी रहती है। पिंजरे में बंद करना हो तो लगे कि अरे मेरा पिंजरा खाली पड़ा है, मगर मेरे पास पिंजरा ही न हो तो पक्षी कहाँ अंदर रहेगा? यही उपदेश जो है, ये अपूर्व उपदेश है, कभी नहीं सुना ये वाणी कभी नहीं सुनी, ये अपूर्व है। इसलिए कहते हैं कि सब काम भोग बंधन की कथा पूर्व में सुनी है, पूर्व में सुनी है, अनुभव में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई, और नहीं आई है तो ये भगवान आत्मा की बात, ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति की बात, ये ज्ञान दीपक ये नहीं आई। और बस हम सब इस परम कृपालु देव की पुकार को सुनकर के धन्य हो गए। अब सुन करके ही नहीं, अब उस गहराई में डुबकी लगा करके भी धन्य हो। अपूर्व उपदेश मुझे ऐसा दीजिए, मुझे वो सब नहीं सुनना है, भूखे रहो प्यासे रहो, मुझे ये नहीं सुनना है देह की क्रिया करने से तेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे ये नहीं सुनना है परमात्मा के मंदिर में माथा टेक करके आओ
ये नहीं सुनना है। और उसी बात को कहते हैं आगे के वाक्य में, देखो क्या कहते हैं, जिससे मिथ्या बुद्धि तड़ाक से टूट जाए और मन भी अस्तंगत हो जाए। अस्तंगत, अस्तंगत का मतलब है मन है उसका अस्त हो जाए, शांत हो जाए, मन है वो विराम पा ले। ऐसा कुछ उपदेश दीजिए, अन्य कोई देव का मुझे क्या काम है, मुझे किसी अन्य देव की क्या जरूरत है। लोक में जो अन्य देव के लिए जो कहते हैं दुख के समय जो काम में आते हैं, संकट के समय कौन उपयोग में आएगा, कि कोई ना कोई देव देवी उपयोग में आएंगे। न मुझे वितरागी न मुझे रागी, किसी भी देव के सहयोग की जरूरत नहीं है, हाथ में दोरा धागा बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही अपने परिभ्रमण का जिम्मेदार हूं और मुझे ही पुरुषार्थ करना। तो इसी प्रकार का प्रयोग आज आप करना, समय हो गया है, आज आप चाहो तो भी मैं नहीं ले पाऊंगा। सिर्फ अंत में 2 मिनट प्रयोग करना, आज यदि दिन में अपने को समय मिलेगा तो सत्संग करेंगे, न मिले तो आप ये प्रयोग करते रहना। बहुत हो गया, जो परिणमन की बात कही है, जो परिणमन 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 की जो बात है, उसमें सिर्फ विषय बदलता है, फिजिकली कोई काम नहीं होता। हो सके तो एकांत में बैठ करके ये चिंतन करना, जो भी याद आता हो, कुछ ना कुछ तो याद आएगा, कोई ना कोई विकल्प तो आएंगे। तो जो भी आपको याद आता हो, उसी याद को याद के रूप में उस पर जोर दे करके न देखना, ज्ञान हो रहा, ज्ञान पर जोर देना, वह भी तो ज्ञान का ही परिणाम है ना। ये ज्ञान हो रहा है उस जानने के परिणाम को, ज्ञान को, यह ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। हिम्मत मत हारना, निरंतर ये तारा न रहे तो भी चिंता मत करना, ये परिणमन ज्ञान का ही है, ये परिणमन ज्ञान का ही है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और मैं ज्ञान मात्र। इसमें वो जो मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र, उसमें 2 बातें, एक तो ज्ञान ज्ञान प्रसर जाता है और उस समय दृष्टि प्रसर जाती है, ये 2 बात है।
इसी का प्रयोग करना, ज्ञान प्रसर जाता है और दृष्टि प्रसर जाती है। कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान, ज्ञान प्रसर गया और दृष्टि प्रसर गई। उसका भाव तुझे बताओ, तुझे बताओ उसका भाव, उसका भाव तुझे बताओ। भाव ये है पूरी तरह से ज्ञान का प्रसर जाना, ज्ञान का प्रसर जाना, कुछ भी अधूरा न रहना, पूरी तरह से फैल जाना, आधा अधूरा नहीं। इसको ऐसे देख, कैसे ज्ञान प्रसरता, कैसे ज्ञान प्रसरता है और कैसे दृष्टि प्रसर जाती है। जो हीरा है ना, हीरा सामने है, तो हीरे को तूने देखा, देखा तो उसमें पूरे में ज्ञान प्रसर गया, जाना उसमें ज्ञान प्रसर गया। तूने सभी ओर से हीरे को जान लिया ने, सभी ओर से जान लिया, और उसी हीरे में, उसी हीरे में तेरी श्रद्धा प्रसर गई है। ये बात है पूरी पूरी श्रद्धा में, ज्ञान प्रसरा है और ज्ञान के प्रसरने के साथ में वो श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा प्रसर गई है पूरी तरह से। अपनापन जो है ना, वो अपनापन ऐसा है, ज्ञान ज्ञान पूरी तरह से प्रसर गया और उसी में ही श्रद्धा प्रसर गई। सब में हो, सब में, और सब जानती है। एक छोटा सा बच्चा है और तुम में से सब माँ अक्सर माँ बन चुके हो, तुम्हें पता है बच्चे को जब तुमने हाथ में लिया, बिल्कुल नग्न बच्चा, इसलिए कहता हूं बिना आवरण का, जैसे ही तुमने लिया, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तो बेटे को जाना ने, कान देखा ने, बेटे को देखा ने, कि बेटे की आंखों को देखा ने, पूरा बेटा देखा है, कि बेटा पूरा देखा है सब जगह बेटे को, अरे बेटा बेटा। उसे कहते हैं जो ज्ञान है वो ज्ञान तुम्हारा प्रसर गया, मगर उस समय एक पैरेलल एक प्रोसेस चल रहा है, वह प्रोसेस है ये मेरा। तो कान को जाना है ना बेटे के, तो वहां उसमें भी मेरे बेटे का काम। आंख को जाना है ना, तो ज्ञान कार्य करता ये आंख है, मगर तुम्हारी श्रद्धा वहां पर फैली हुई है, ये मेरे बेटे की है। नाक को देखा, पूरा बेटा गोरा बेटा है, बेटा गोरा है, ये ज्ञान वहां पर प्रसर गया, पूरी ओर से उसने गोरे बेटे को जान लिया और श्रद्धा वहां पर फैली हुई है कि ये गोरा बेटा मेरा है। ज्ञान ने जाना गोरा है, श्रद्धा नहीं जानती कि ये गोरा है, गोरा है ये जानने वाला ज्ञान है, मगर ये मेरा है ये मानने वाली ये श्रद्धा है। और ज्ञान आधे अंगों को नहीं जानता, पूरे बेटे को जानता है। श्रद्धा आधे बेटे में अपनापन नहीं करती, पूरे में अपनापन करती। इसलिए कहते हैं ज्ञान पूरी तरह से प्रसर जाता है, श्रद्धा पूरी तरह से प्रसर जाती है, मगर महिमा ज्ञान की है, क्योंकि ज्ञान ये जानता है कि श्रद्धा प्रसर गई है, श्रद्धा को पता नहीं है। ऐसे ही ध्रुव सत्ता सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान अनुभव करता है, फैलता है। यही भगवान आत्मा में, यही भगवान आत्मा में, और श्रद्धा सभी प्रदेशों में व्याप्त ये ज्ञायक में, यही चैतन्य में थोड़ा भी अंश उसका कटने नहीं देती, अलग नहीं, खंडित नहीं होती। इस मूर्ति का एक कण अलग हो जाए तो मूर्ति की पूजा में कैसे करो, खंडित मूर्ति हो गई। इसलिए ज्ञान को फैलाओ, ज्ञान को फैलाओ, कंजूस मत बनो, पूरी तरह से अपना है ना, अपना है तो पूरी तरह से फैलाओ। उसी का नाम फैलना है, उसी का नाम फैलना है। जो डुबकी लगी तो फैल गई, शक्कर गिरी, शक्कर गिरी तो पूरे पानी में फैले ना, फिर एक जगह पर क्यों फैले, क्यों फैले, वह इतना पक्षपात क्यों करे। इसलिए शक्कर पूरे में फैले। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय पूरे द्रव्य में प्रसर जाती है।
इसी को बैठ करके तू ऐसे ही अपने ज्ञान को ज्ञायक में फैला दे। फैला दे माने अपने ज्ञान से उस ज्ञान को ही जानने दे, और उसी में ही कोई भी अंश, पूरा आत्मा मेरा है, यहां पूरा चैतन्य लोक मेरा है, इसलिए मैं किसी में अपनापन करूं और किसी में नहीं, ऐसा नहीं। ये अद्भुत है भगवान, तेरा लोक अलग, तूने बस आ, तूने अपना तत्व लेकर के तू निकल गया, बस निकल गया, ऐसा ही पूरी तरह से फैला है मैं। और उस समय जब महल में आग लग जाए और तूने अपने बेटे को जाना है, पहले ही माँ अपने बेटे को लेकर के जैसे भागती है, अपना बेटा, ये कि माँ का ज्ञान वहां प्रसरा हुआ है, माँ की दृष्टि, माँ का अपनापन प्रसर गया है, इसलिए बेटे को उठा। ये चारित्र कहां से आया? आग लगते ही ये माँ दौड़ी, और ये चारित्र कहां से आया? क्योंकि वो श्रद्धा और ज्ञान जो प्रसर जाते हैं तो फिर चारित्र आ जाता है, उसे प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ती कि बेटे को लेकर के कैसे दौड़ना है, उसे दौड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वो क्रिया सहज है। इसलिए तू ज्ञान और श्रद्धा इस पर जोर दे, चारित्र का पालन होगा, तू मुनि भी होगा और मोक्ष भी होगा। मैं मुनि भी होऊंगा, मेरा भी मोक्ष होगा। प्रयोग करना भगवान, आप सभी ज्ञान दीपकों ने रविवार की सुबह 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 नहीं सुबह सुबह उठ करके ये सत्संग करने का मुझे अवसर दिया। आप न होते तो मेरा क्या होता, ये सत्संग का निमित्त कहाँ मिलता। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वर्ते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, वंदन अगणित।